अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जनाब वो धूप क्यों ऐसा? नहीं कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं 120 स्क्वायर यार्ड का एक ग्राउंड को स्पन का खूबसूरत सा मकान जो कि वेस्ट ओपन है और सबसे बढ़कर ये पार्क फेस है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं नरेश भाई की फरमाइश पर। कब से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी फॉर सेल के मकान की, तो नरेश भाई वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा, तो जनाब 120 स्क्वायर यार्ड का ये ब्रांड न्यू मकान है जो कि ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है और ये वेस्ट ओपन है। ये मैं आप लोगों को एक मंजर दिखाता चलूँ, ये सामने इसके पार्क है, यहाँ पर कल को पार्क किया, मतलब और कोई प्लॉट व्लॉट नहीं है यहाँ पे। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको इसको अंदर का विजिट करवाते हैं कि अंदर से किस तरह का बना हुआ है। अभी अंदर नरेश भाई ज़रा लाइटें ऑन कर रहे हैं, फिर हम ज़रा आपको इसका विजिट भी करवाते हैं। अच्छा, ये मेन एंट्रेंस के दो गेट दिए हुए हैं, एक ये और ये। इनकेस अगर आप रेंट पर देना चाहते हो या ऊपर की फैमिली और नीचे की फैमिली सेपरेटेड रहना चाहती है तो ये बंदा अलग रह सकता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक के दो मीटर लगे हुए हैं, एक थ्री फेज लगा हुआ है, एक सिंगल फेज लगा हुआ है, मतलब ऊपर नीचे का सेपरेट हो गया। गैस के दो मीटर लगे हुए हैं और आजकल गैस वैसे भी बंद है, मतलब गैस जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि गैस अभी आजकल कहीं पर नहीं लग रही। अच्छा, इलेक्ट्रिक के मीटर तो हर जगह लग जाते हैं, मतलब तकरीबन 15 दिन में इलेक्ट्रिक का मीटर लग जाता है, लेकिन जो गैस का मीटर है वो कहीं पर भी नहीं लग रहा। तो ये एक बेनिफिट है इधर कि मतलब जो बंदा ये घर लेगा उसको गैस का मीटर लगा लगाए मिलेगा, उसको सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आप मकान के अंदर से विज़िट करते हैं। ये बेहतरीन मकान बना हुआ है यहाँ पर ना, ये ऊपर का स्टेयर्स ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। अच्छा, ये वॉशरूम बना हुआ है स्टेयर्स के नीचे जिसे हम कॉमन बाथ भी कहते हैं यहाँ पर। ये अभी हम ड्राइंग रूम से शुरू करते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले ये ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम की टाइल और अंदर जो फ्लोर है उसकी टाइल डिफरेंट है, 2x2 की ये टाइल लगी हुई है। और ये सामने वाली वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये फॉल सीलिंग। अच्छा, ये पीछे का रूम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, रूम का साइज़ मैं आप लोगों को बता चलूँ कि कितना है। ये 2 फीट की टाइल लगी हुई है यहाँ पे और ये 6 टाइल लगी हुई है इसमें ना, मतलब ये 12 फीट यूँ है और ये 11 फीट यूँ है, मतलब 12x11 का ये रूम है। और ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग मैं आपको ये भी दिखा दूँ एक बार ना ये। और ये इसमें अलमारी दी गई है। अच्छा, सामने ये वेस्ट ओपन है और पार्क फेस है तो डायरेक्ट हवा अंदर आएगी। अच्छा, ये अब मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा दूँ ज़रा किस तरह का बना है, इसमें लाइट। अच्छा, तो जनाब घर लेते हुए ना बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये मकान वेस्ट ओपन है, वो तो वेस्ट ओपन मकान तो वैसे ही हवादार होता है, ईस्ट ओपन भी होता है लेकिन वेस्ट ओपन और ऊपर ये पार्क फेस है तो और ज़्यादा हवादार है। और फिर भी इसमें पीछे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ वगैरह दिए हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अभी मैं आपको इसका दूसरे रूम भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो जनाब ये इसका एक और रूम है। घर में हर वॉल पे जो है वॉलपेपर लगाया गया माशाल्लाह से। और ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग। अच्छा, ये अभी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ ज़रा। ये वॉशरूम हो गया और ये हो गया वॉशिंग एरिया। अच्छा, ये इसका वॉशिंग एरिया है।
अच्छा तो जनाब ये पार्क के सामने का ना बेहतरीन लोकेशन है ये। अब मैं ज़रा आपको ऊपर वाले फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। अभी जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं मकान की वीडियो बना रहा हूँ फॉर सेल वाले की, वो भी नरेश भाई की फरमाइश पे कि यार वीडियो बना लो, एक जानने वाले का मकान है तो बनाते हैं इसकी वीडियो, दिखाते हैं आपको क्या क्या। नीचे का फ्लोर तो हमने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, फिर ऊपर का फ्लोर दिखा दे। अच्छा तो जनाब ये फॉल सीलिंग ऊपर वाले की टेरेस की, और ये सामने ओनर ने जो है यहाँ पर ग्रिल लगवा दिया है, ये चीज़ यहाँ पर, तो मतलब कल को आप यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को इस मकान के बारे में बताता चलूँ कि ये मकान जो है ये एक साल पुराना है, मतलब फैमिली ने इसमें एक साल रिहाइश की है और अब वो लोग इसको सेल करना चाह रहे हैं। ये है टेरेस, मतलब वो लोग जो भी सेफ्टी चाहते हैं उन लोगों के लिए ये घर बेस्ट है, मतलब कि वो चाहते हैं कि बच्चे ना गिरे या कुछ भी, तो ये सेफ्टी बेस्ट जगह है। अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके ऊपर छत के ऊपर, ये छत पे इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है। अच्छा ये जो है ये सोलर फ्रेम लगा हुआ है, मतलब पूरी सोलर की प्लेटें लगी हुई इसके घर के ऊपर, लेकिन फैमिली जो है मतलब इसको लेके जा रही है, ये साथ में इंक्लूड नहीं होगा,
और ये RCC टैंकी बनी हुई है ज़मीन से उठा के फर्श से। इन केस कल को ये सेम आ जाती है या कुछ हो जाता है तो मसला नहीं होगा। और ये इन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि मार्बल लगा दिया, कल को आपको छत जो है मतलब जितनी बारिश हो जाए नीचे वाले फ्लोर पर सेम नहीं आएगी। अच्छा, हमारी हर पार्टी से हम हर पार्टी को ये एडवाइस देते हैं कि भाई अपना घर बनवा रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो तो छत पे मार्बल ज़रूर लगाओ, बेशक छोटा मार्बल लगवा दो लेकिन मार्बल ज़रूर लगवाओ, क्योंकि जिस तरह की बारिशें हो रही है ना तो नीचे का जो फ्लोर है उसकी जो छत है वहाँ पर सेम आना शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छा बेनिफिट है कि इन लोगों ने मार्बल ऑलरेडी लगवा दिया है। अच्छा तो जनाब ये है फ्रंट का मंजर, ये छत से आप लोग देख सकते हैं, ये बेहतरीन मंजर है यहाँ पर। मतलब ये पूरा पार्क है, ये मेमार का पार्क है, कल को यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, कोई प्लॉट नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेमार का पार्क है। अच्छा तो जनाब कैसा लगा आपको आज का मकान, कैसा लगा? बेहतरीन बना हुआ है माशाल्लाह से, बेहतरीन बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि ओनर ने रिहाइश किया सिर्फ एक साल के लिए, और अब जो मैं आपको इसकी डिमांड बता दूँ, इसकी डिमांड है 2,20,00,000 इसकी डिमांड है, और ये सेक्टर R में वाक़ है जहाँ पर इस वक्त प्लॉट भी, अच्छा ये पार्क फेस है, इस यहाँ पर पार्क फेस है, पार्क फेस है, वेस्ट ओपन है, तो इस प्लॉट की जो वर्थ है इस वक्त तकरीबन 1.20 से 1.25 है क्योंकि ये पार्क फेस है, अदरवाइज़ इसकी जो वैल्यू होती है 1.10 से 1.15 के दरमियान होती है। और ये ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है, तो 2,20,00,000 इसकी डिमांड है, और जो बाकी ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, बाकी जो बात होगी ओनर के सामने बैठ के होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसका विज़िट करना तो आप लोग फैमिली के साथ आएँ, हम आपको इसका विज़िट करवाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस इस पर ये कहना था कि इस पर निगोसिएशन पॉसिबल है लिटिल बिट, लेकिन हाँ लेकिन आप विज़िट करना है तो फैमिली के साथ ही विज़िट होगा। खुश रहिए, ज़िंदगी रही, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। अल्लाह निगहबान।